हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है एच का बैन विजार्ड और आज मैं जिस कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ उसका नाम कैटी बेल है। कैटी बेल बेसिकली एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था, ग्रिफिंडोर की लड़की थी, बहुत अच्छी क्विडिच प्लेयर थी और सेकंड विजार्डिंग वर्ल्ड वार में जो इसका बहुत बड़ा रोल रहा था। तो 1978 टू 79 का जो इसका जीवन था, ये ग्रिफिंडोर की स्टूडेंट थी हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी में, 1990 से लेकर 1997 तक ये रही और ये ग्रिफिंडोर की टीम में क्विडिच में चेसर थी। और ड्यूरिंग हर हॉगवर्ट ईयर शी बिकेम इनक्रेडिबली क्लोज फ्रेंड विद एंजेलिना जॉनसन एंड एलिशिया स्पिनेट। और ये जो दो लड़कियाँ थी, एंजेलिना जॉनसन और आपकी एक एलिशिया स्पिनेट, इनकी बड़ी क्लोज फ्रेंड थी ये, ठीक है जी। और सिक्स ईयर में इसने डंबलडोर आर्मी भी ज्वाइन की और हैरी पॉटर से ट्रेनिंग भी ली इसने। सेवन्थ ईयर के अंदर ये इसने एक ओपल नेकलेस का कर्स इसको मिल गया था ड्रैको मैलफॉय की वजह से, तो ये सेंट मंगोस हॉस्पिटल में भर्ती रही थी। और 1977 में ये वापस आई, 1998 में ये लड़ी बैटल ऑफ हॉगवर्ट में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के अगेंस्ट में लड़ी डेथ ईटर के साथ, और केटी सरवाइव भी करी, मतलब अच्छी खासी जादूगरनी थी ये तो सरवाइव कर गई है। और फर्स्ट ईयर में केटी बेल जो थी मैजिकल एजुकेशन हॉगवर्ट ऑफ स्कूल से इसने ली 1990 में। ड्यूरिंग द वेलकम फीस्ट केटी वाज सॉर्टेड इनटू द हाउस ऑफ ग्रिफिंडोर, इसको ग्रिफिंडोर में डाला गया, ठीक है जी। थर्ड ईयर के अंदर क्या हुआ, हॉगवर्ट में ग्रिफिंडोर कैप्टन ओलिवर वुड ने इसको जो है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो उसने इसको टीम में ले लिया। और उसके बाद फोर्थ ईयर में एंजेलिना जॉनसन कहती है कि ही इज दैट टॉल गुड लुकिंग वन, वो बहुत सुंदर थी, लंबी थी और कैटी स्ट्रॉन्ग एंड साइलेंट थी। और एंजेलिना जॉनसन के साथ लगता है इसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और सेट्रिक डिग्री के साथ भी अच्छे खासे रिलेशन थे। फोर्थ ईयर में वुड जब कैप्टन बना तो इसने उसको टीम के अंदर तब भी रखा और हफल पफ की टीम के साथ भी मैचेस में अच्छा प्रदर्शन इसने किया था और काफ़ी पैशनेट खिलाड़ी थी ये। एक बार याद है जब रॉन को लेने लगा था हैरी, तो तब इसने कहा था कि तुम मेरा भी चुनाव करो, तो हैरी ने कहा था कि तुम तो टीम में पक्के हो, तुम्हारा क्या चुनाव करना है। उसने कहा नहीं, एक अच्छे कैप्टन को हमेशा अच्छा प्लेयर को ही चुनना चाहिए। फिफ्थ ईयर के अंदर यू विल बी एबल टू पे बैक डिग्री फॉर दैट लास्ट क्विडिच मैच, हैरी कैटी कहती है एंथुसियाज्म बढ़ाने के लिए ट्राई विजार्ड टूर्नामेंट में। सिक्स्थ ईयर के अंदर की बात है, कम हेयर रॉन एंड सी इफ ओलिवर्स ओल्ड रोब्स फिट यू एंड वी कैन टेक ऑफ हिज नेम एंड पुट योर इंस्टेड। रॉन को कपड़ा पहनाया जा रहा है, ओल्ड रोब दे रही है ओलिवर का, कह रही है हम इसमें नाम मिटा देंगे, और गुस्से में बोल रही है रॉन के साथ ये, ठीक है जी। और एंजेलिना को क्विडिच कैप्टन भी बनाया गया था, इसकी डिमांड थी जब ओलिवर वुड चला गया था, तो ये भी एक इशू था। सेवन्थ ईयर में फिर लड़ाइयाँ शुरू होने वाली थी, पहले इसको कर्स मिल गया ओपल नेकलेस पे, तो ये बताती है कि ये बाथरूम में गई थी, वहाँ पे पता नहीं कैसे इसको वो कर्स मिला, तो ड्रैको मैलफॉय ने ही डेफिनेटली कुछ गड़बड़ करी थी यहाँ पे, क्योंकि वो डंबलडोर को माना जाता था। फिर सेंट मंगोस हॉस्पिटल में ये रही और वहाँ से ये ठीक हो के आती है। और ये इसका कैरेक्टर है, कैटी बेल एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, फ्रेंडली लड़की है, जेंटल है, काइंड है, हैरी पॉटर वगैरह और हरमाइनी और रॉन के साथ इसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। गुड लुकिंग है, फेयर है, सेंस ऑफ फेयरनेस है, एक्नॉलेज करती है। और जब मड ब्लड बोला था तो ये उसको हरमाइनी को, तो ये बीच में आई थी, तो बहुत अच्छी लड़की थी कैटी बेल। तो ये इसकी जो है वैंड जो इसकी बताते हैं कि कैसी थी, इसके पास वुड की वैंड थी, कोर मटेरियल था इसमें विचक्राफ्ट ओलिवेंडर टाइगन एली, तो वैंड तो इसके पास थी और ये वुड की वैंड थी जी। कोर मटेरियल का मेरे को इसका पता नहीं, ब्रूमस्टिक जो है कैटी के पास था और क्विडिच प्लेयर थी ये, तो ब्रूमस्टिक तो ऑब्वियसली होगा ही इसके पास, और बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्रूमस्टिक था। और स्टोरी बुक में इसका काफ़ी नाम है, कैटी बेल का बड़ी बार आता है, आपने भी सुना होगा, पूरे उसमें बुक में चलता ही रहता है इसका नाम। तो ओवरऑल हम कैसे इसको रखेंगे इस कैरेक्टर को, कि बहुत अच्छा कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर कैटी बेल जो है हैरी पॉटर का। ओके गाइस, तो यहीं पे मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ और कृपया मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें प्लीज़, और काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरा चैनल, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट करें। ओके गाइस, टेक केयर, बाय।